गुल्ली बुल्ली और शॉन आज घर पे बैठकर टीवी में अपना फेवरेट शो देख रहे हैं। शॉन कहता है, ये शो मुझे बहुत पसंद है गुल्ली बुल्ली। शॉन सुनो ना, क्या तुम घर के अंदर से नमकीन और कुछ कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाओगे और मजा आएगा फिर टीवी देखने में। शॉन तभी घर के अंदर जाने लग जाता है, लेकिन तभी गुल्ली को आसमान में कुछ दिखाई देता है। बुल्ली ऊपर देखो, वो क्या है? बुल्ली आसमान की तरफ देखकर हैरान रह जाता है। गुल्ली और बुल्ली के घर के ऊपर से एक बहुत बड़ा यूएफओ उड़ता हुआ जा रहा है। गुल्ली, ये तो बहुत बड़ा यूएफओ है, लेकिन ये यूएफओ हमारी दुनिया में क्या कर रहा है? गुल्ली कहता है, और तो और ये बहुत नीचे उड़ रहा है बुल्ली, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। बुल्ली कहता है, कहीं हमारे शहर को कोई खतरा तो नहीं है गुल्ली? अब ये तो बाबा ही बता सकते हैं बुल्ली, हमें बाबा से इसके बारे में बात करनी चाहिए। मुझे तो लगता है एलियंस हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं गुल्ली। तभी शॉन घर से बाहर कुछ खाने का सामान लेकर निकलता है। ये लो गुल्ली बुल्ली, अब आएगा ना टीवी देखने में मजा। बुल्ली कहता है, ये छोड़ो शॉन, हमने अभी अभी आसमान में एक बहुत बड़ा यूएफओ देखा है और हमें अब बहुत डर लग रहा है। गुल्ली कहता है, शॉन हमें लगता है कि हमारे शहर में कोई एलियन अटैक होने वाला है, इसलिए हमें इसके बारे में बाबा से मिलकर बात करना होगा। शॉन कहता है कि यूएफओ क्या सच में होता है गुल्ली बुल्ली? तुम्हारा मतलब उसी स्पेसशिप जैसी चीज से है ना? अरे हाँ शॉन, अब जल्दी चलो बाबा के पास। और ये लोग गाड़ी में बैठकर बाबा के पास जाने लग जाते हैं। और थोड़ी ही देर में बाबा के घर पहुंच जाते हैं। और अरे, ये तो बाबा यहाँ पहले से ही आसमान की तरफ देख रहे हैं। बुल्ली कहता है कि बाबा, क्या आपने भी उस यूएफओ को आसमान में देखा? हाँ बुल्ली, मैं तब से वही सोच रहा हूँ कि ये क्या चीज आसमान में उड़ रही है। गुल्ली कहता है, उसको यूएफओ कहते हैं बाबा, इससे दूसरे प्लेनेट के लोग हमारे प्लेनेट के अंदर आते हैं, और बाबा हो सकता है कि इसके अंदर के लोग हम पर अटैक करने के लिए आए हों, हमारे शहर को भी खतरा हो सकता है। शॉन कहता है कि बाबा, हमें चलकर देखना चाहिए कि वो यूएफओ अभी कहाँ लैंड हुआ है। चलो ठीक है गुल्ली बुल्ली शॉन, जल्दी चलते हैं। शॉन कहता है, बाबा रॉड को भी बुला लीजिए ना, रॉड साथ रहेगा तो अच्छा होगा हमारे लिए। तभी बुल्ली पीछे कुछ देखकर अचानक से डर जाता है। बुल्ली देखता है कि दो ज़ॉम्बीज चलते हुए जा रहे हैं। बाबा, गुल्ली और शॉन, पीछे देखो, वहां पर दो ज़ॉम्बीज चलते हुए जा रहे हैं। वो ज़ॉम्बीज यहाँ पर कैसे आ गए बाबा? बाबा कहते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता रॉड, अभी तो बस बुल्ली ने हमें उन्हें दिखाया ही था, अच्छा हुआ तुम आ गए यहाँ। और बाबा तभी रॉड को सारी बात बताते हैं। चलिए ठीक है बाबा, चलिए उस यूएफओ को ढूंढने चलते हैं। शॉन तुम मेरी बाइक पर बैठ जाओ और बाबा और बुल्ली बुल्ली इस गाड़ी से आएंगे। और फिर ये लोग निकल जाते हैं उस यूएफओ को ढूंढने के लिए। बाबा, आपको क्या लगता है कहां से आए होंगे वो ज़ॉम्बीज? बाबा कहते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है बुल्ली, मैं खुद हैरान हूं कि हमें ज़ॉम्बीज दिखे कैसे। शॉन कहता है, बाबा कहीं हमारे शहर पर ज़ॉम्बीज अटैक तो नहीं होने वाला है? लेकिन बाबा, उस यूएफओ को एलियंस इस्तेमाल करते हैं, ना कि ज़ॉम्बीज, तो ज़ॉम्बीज हमारे शहर में आए कैसे? रॉड कहता है, गुल्ली अब ये तो उस यूएफओ को ढूंढने के बाद ही पता चलेगा ना। बाबा कहते हैं, बिल्कुल सही कहा रॉड, अब कैसे भी करके उस यूएफओ को हमें ढूंढना ही होगा। और गुल्ली बुल्ली, शॉन, रॉड और बाबा उस यूएफओ को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। और ये लोग देखते हैं कि इविल नन एक तख्त पर बैठी हुई थी और वहां उसके सामने चार ज़ॉम्बीज खड़े होते हैं। बाबा कहते हैं कि गुल्ली बुल्ली और शॉन, लगता है इस स्पेसशिप में एलियंस नहीं बल्कि ये ज़ॉम्बीज ही आए हैं। हाँ बाबा, सही कहा आपने। इविल नन, बताओ क्यों बुलाया है तुमने हमें यहाँ? ज़ॉम्बीज, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने ज़ॉम्बीज इस पूरे शहर में फैला दो, मैं इस शहर को बर्बाद करना चाहती हूँ, फिर इस शहर पर मेरा कब्जा होगा। हम जानते थे कि तुम यही चाहती हो इविलन, इसलिए हमने ये तुम्हारा काम पहले ही शुरू कर दिया था। धीरे धीरे ज़ॉम्बीज इस शहर में फैलना शुरू हो चुके हैं। बहुत अच्छे ज़ॉम्बी, अगर तुमने अच्छा काम किया तो पेमेंट तुम्हें सही टाइम पर मिल जाएगा।
लेकिन इविलन हमें पता चला है कि हमारे दो ज़ॉम्बीज को किसी ने मार दिया है घंटे पहले। बुल्ली कहता है कि रॉड, ये लोग उन्हीं दो ज़ॉम्बीज की बात कर रहे हैं जिन्हें तुमने अपनी गाड़ी से मार दिया था। हाँ बुल्ली, सही कहा तुमने। लेकिन कोई बात नहीं इविलन, धीरे धीरे और भी ज़ॉम्बीज आते जाएंगे और वही होगा जो तुम चाहती हो, इस शहर को बर्बाद कर देंगे हम। तभी इविलन और ज़ॉम्बीज की नजर इन लोगों पर पड़ जाती है। पकड़ लो इन्हें ज़ॉम्बीज। और तभी इविलन अपनी शक्तियों से इन सभी के पैर पत्थर से जकड़ देती है और एक ज़ॉम्बी बाबा पर हमला कर देता है। अब तुम लोगों का क्या होगा गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड? तभी रॉड जाकर इविलन पर अटैक कर देता है। और अरे, इधर तो बाबा भी ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन अब बहुत डर चुके हैं। तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन वहां से भागने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन एक दीवार के पीछे आकर छुप जाते हैं। शॉन कहता है, गुल्ली और बुल्ली, उन ज़ॉम्बीज ने तो बाबा को काट कर बाबा को ज़ॉम्बी बना दिया, और अब तो उन्होंने रॉड को भी काट लिया है, यानी अब रॉड भी ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। बुल्ली कहता, हमारे दोनों साथी अब ज़ॉम्बी बन गए गुल्ली और शॉन। शॉन कहता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है गुल्ली बुल्ली, अब कैसे बचाएंगे हम इस शहर को, वो भी बिना रॉड और बाबा के। और तभी वो ज़ॉम्बीज इन लोगों को खोजते हुए वहां पर आ जाते हैं। तभी ज़ॉम्बीज गुल्ली बुल्ली और शॉन पर अटैक कर देते हैं और गुल्ली बुल्ली और शॉन बेहोश हो जाते हैं। और ये तीनों ज़ॉम्बीज उन लोगों को इविलन के पास लेकर आते हैं। इविलन कहती है, ज़ॉम्बीज, ये बाबा तो तुम्हारे जैसा ज़ॉम्बी बन गया है, लेकिन लगता है ये रॉड ज़ॉम्बी नहीं बनेगा, शायद इसलिए क्योंकि ये पूरा इंसान नहीं है। एक काम करते हैं इविलन, मैं अपने एलियन साथियों को बुलाता हूँ, गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड को एक दूसरे प्लेनेट पर भेज देते हैं और यहाँ ये बाबा हमारा साथ देगा। हाँ ठीक है ज़ॉम्बीज। और तभी वहाँ दो UFO आते हैं और उसके अंदर के एलियंस गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड को UFO में लेकर जाने लगते हैं। और इधर बाबा को होश आ चुका है, बाबा अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। बताओ अब क्या ऑर्डर है मेरे लिए इविलन, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। अब आएगा ना मजा ज़ॉम्बीज। और इधर वो एलियंस गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड को एक दूसरे प्लेनेट पर लेकर आते हैं और ये लोग गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड को एक एक्सपेरिमेंट लैब में डाल देते हैं, कहीं ये लोग इन लोगों पर कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट तो नहीं करने वाले। अब इन लोगों पर हमारे बॉस एक्सपेरिमेंट करेंगे और इन लोगों के अंदर और भी खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस डालेंगे। तब ये लोग हमेशा के लिए ज़ॉम्बी बन जाएंगे। और फिर वो दोनों एलियंस वहां से चले जाते हैं, लेकिन तभी शॉन जिस ग्लास में बंद था वो ग्लास टूट जाता है, शायद उन एलियंस ने इस ग्लास को अच्छे से बंद नहीं किया था। और शॉन होश में आ जाता है। शॉन देखता है कि रॉड और गुल्ली बुल्ली ग्लास के अंदर बंद हैं। शॉन कहता है, लगता है उन ज़ॉम्बीज ने हमें कहीं लाकर इस ग्लास में डाल दिया था और किसी तरह से मेरा ग्लास टूट गया। तभी शॉन बाहर से एक बैट लेकर आता है और शॉन रॉड के ग्लास को मारकर तोड़ देता है। रॉड कहता है, हम कहाँ हैं शॉन, और ये गुल्ली बुल्ली किस में बंद है, ये क्या चीज है? शॉन रॉड को सारी बात समझाता है और तभी रॉड उन दोनों ग्लास को फ्रीज करके ब्लास्ट कर देता है और गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड बाहर निकलते हैं और ये देखते हैं कि वो दोनों एलियंस दो ज़ॉम्बीज से बात कर रहे हैं। हमें अर्थ पर दोबारा जाना होगा, इविलन ने हमें फिर से बुलाया है। और तभी वो दोनों एलियंस एक UFO लेकर चले जाते हैं। लगता है हम किसी दूसरे प्लेनेट पर हैं गुल्ली बुल्ली और शॉन। तभी वो दोनों ज़ॉम्बीज इन लोगों को देख लेते हैं। रॉड कहता है, चुपचाप से बता दो यहाँ क्या चल रहा है ज़ॉम्बीज। तुम लोग वही हो ना जिन्हें हमारी एलियंस ने लाकर एक्सपेरिमेंट लैब में रखा था, तुम लोग बाहर कैसे निकल आए? शॉन कहता है, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो ज़ॉम्बीज, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इविलन यहाँ की एलियन बॉस से मिलकर अर्थ पर ज़ॉम्बी वायरस फैला रही है और तुम लोगों पर इन लोगों के बॉस एक्सपेरिमेंट करने वाले थे और वो आज ही आने वाला है। रॉड कहता है, और हमारे बाबा वो कहाँ हैं?
वो तो अब हमारे जैसा ज़ॉम्बी बन चुका है। शॉन कहता है इन लोगों को जिंदा मत छोड़ना रॉड, और रॉड उन दोनों ज़ॉम्बीज को फ्रीज कर देता है। रॉड कहता है चलो इस यूएफओ से हम वापस अर्थ पर चलते हैं गुल्ली बुली और शॉन। लेकिन तभी वहां वो एलियन बॉस आ जाता है। तुम लोग बाहर कैसे निकल आए? कौन हो तुम? तुम लोगों को पकड़कर एक्सपेरिमेंट करने के लिए भेजा गया है मुझे। तुम लोगों को मैं ज़ॉम्बीज बना कर रहूंगा। और तभी एलियन बॉस के साथ ही ज़ॉम्बीज इन लोगों पर हमला कर देते हैं। पकड़ कर लिए चलो इन लोगों को लैब में। ज़ॉम्बी कहता है मुझे इन्हें जरा सा काटने दो ना बॉस, मुझे इंसान को चखना है। नहीं ज़ॉम्बी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। इन पर मुझे एक्सपेरिमेंट करना है अभी। इन लोगों को मैं ज़ॉम्बी बना दूंगा। चलो इनको ले जाकर लावा वाली गुफा में डाल दो, वहां से ये लोग निकल नहीं पाएंगे। तब तक मैं जरा कुछ काम करके आता हूँ। और ज़ॉम्बीज गुल्ली बुली रॉड और शॉन को गाड़ी में रखकर ले जाने लगते हैं लावा की गुफा की तरफ। और ये लोग पहुंच आते हैं उस गुफा के अंदर। कहां रखना है इन लोगों को ज़ॉम्बी भाई? उस साइड रखना है। और ये ज़ॉम्बीज गुल्ली बुली रॉड और शॉन को वहां रखकर चले जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ एक एलियन छुपकर देख रहा होता है। लगता है ये लोग खतरे में हैं। मुझे इन लोगों को बचाना होगा, नहीं तो ये ज़ॉम्बीज इनको मार डालेंगे। अरे लगता है ये कोई अच्छा एलियन है। वो एलियन इन लोगों के पास आकर इन लोगों को होश में लेकर आता है। रॉड कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एलियन कहता है अरे शांत हो जाओ, मैं अच्छा एलियन हूँ और मैंने ही तुम्हें होश में लाया है। गुल्ली कहता है अच्छा एलियन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुल्ली कहता है हमें बचा लो एलियन भाई। शॉन उस एलियन को सारी बात समझाता है। एलियन कहता है ये एलियन बॉस पागल है, लेकिन चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, आओ मेरे साथ। वो एलियन लावा के बीच में एक रास्ता बना देता है और ये लोग उस गुफा से बाहर निकल आते हैं। ये लोग देखते हैं कि एलियन बॉस और ज़ॉम्बीज दूर खड़े होते हैं। यही है ना वो? रॉड कहता है एलियन क्या तुम्हारे पास कोई लेजर की पावर है? हाँ है, लेकिन वो लेजर इस एलियन बॉस पर काम नहीं करेगा। मेरा लेजर सिर्फ बर्फ या फिर पत्थर पर ही काम कर सकता है। रॉड कहता है मैं हूं ना उसके लिए। रॉड एलियन गुल्ली बुली और शॉन उन लोगों के पास आ जाते हैं और तभी रॉड उस एलियन बॉस को फ्रीज कर देता है। और तभी गुल्ली बुली और शॉन उन ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। और तभी एलियन अपनी लेजर की पावर से एलियन बॉस को मार देता है। रॉड कहता है कमाल कर दिया तुमने एलियन भाई। तुम्हारे बिना नहीं कर पाता रॉड। शॉन कहता है अब क्या करना है एलियन भाई? चलो अब अर्थ पर चलकर उस ईविलन से तुम्हारे बाबा को बचाते हैं। और ये सभी लोग यूएफओ से जाने लगते हैं अर्थ पर। और थोड़ी ही देर में ये लोग ईविलन के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। ईविलन बाबा और ज़ॉम्बी से कुछ बात कर रही होती है। रॉड कहता है अब क्या करना है एलियन भाई? करना क्या है रॉड? इन पर हमला करके इनकी अकल ठिकाने लगाएंगे और क्या? रॉड इन लोगों को मारने में बाबा को कुछ होने मत देना। रॉड कहता है चिंता मत करो तुम, हम उनको ही तो बचाने आए हैं, तो उनको कैसे कुछ होने दे सकते हैं हम। तभी वो ज़ॉम्बीज इन लोगों को देख लेते हैं। ईविलन, वो गुल्ली बुली और उनके साथी हमें वहां से देख रहे हैं। और ईविलन और बाबा भी इन लोगों को देख लेते हैं। ईविलन, मैं देखता हूँ। रॉड कहता है बहुत अच्छे गुल्ली बुली और शॉन। ईविलन चुपचाप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार मार के तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। तुम्हें क्या लगा कि तुम लोग आओगे और मुझे भगा दोगे यहाँ से? ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। रॉड कहता है अब नहीं बचोगी तुम ईविलन। तभी ईविलन उस एलियन से कहती है तुम तो एलियन हो ना,
तुम तो हमारे साथ थे, इनके साथ क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम लोगों के साथ नहीं था, मैं अच्छा एलियन हूँ, मैं उस एलियन बॉस के साथ में नहीं था। रॉड, जल्दी फ्रीज करो इसे। और रॉड तभी उस इविलन को भी फ्रीज कर देता है। गुल्ली बुली और शॉन देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज दोबारा जिंदा हो चुके हैं। बाबा का बर्फ तोड़ दो एलियन। एलियन तभी बाबा का वो बर्फ तोड़ देता है। और अरे ये क्या, बाबा तो अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। बाबा इन लोगों के पास आते हैं। तुम लोग ठीक तो हो ना गुल्ली बुली, शॉन और रॉड? हाँ बाबा, हम बिल्कुल ठीक हैं, बाबा कहते हैं। और ये कौन है तुम्हारे साथ? रॉड बाबा को सारी बात समझाता है कि क्या क्या हुआ है इनके साथ। बाबा कहते हैं, थैंक यू एलियन, तुमने इतनी हेल्प की हमारी। बाबा कहते हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ रॉड, मुझे आराम करने की जरूरत है। और फिर एलियन और रॉड ये लोग ज़ॉम्बीज और इविलन को ब्लास्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं आगे ऐसी न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।